वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोग के बीच में एक नया टॉपिक लेके। सो हाई न्यू मॉम्स, कैसे हैं आप लोग? होप मेरे वीडियो आप लोग को थोड़ा फ़ायदा कर ही रहा होगा। तो आज मैं फिर आप लोग के फ़ायदे के लिए एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लाई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और मे बी यूज़फुल बहुत है। मेरे लिए तो पर्सनली बहुत यूज़फुल था। मैं तो सोचती थी काश मुझे भी कोई ये पहले बता दिया होता। मुझे थोड़ा लेट से ये पता चला था, पर कोई बात नहीं, टाइम रहते ये पता चल गया था। तो मैं इसीलिए टॉपिक को तुरंत लेके आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी टाइम से पहले ही से जान लें, ताकि जब आपका टाइम आए तभी आपको बहुत हेल्प करे। तो आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट ब्रेस्ट पम्प। ब्रेस्ट पम्प सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सही है नहीं है क्या है। तो बस उसी सब क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगी और साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। रिजल्ट उसका बहुत ही अमेजिंग है, मैं पहले ये बता देती हूँ। बहुत हेल्प करता है। मैं तो सोचती थी काश मुझे एक महीना और पहले मिल गया होता तो मुझे थोड़ी सी और शांति मिली होती, पर बिना सोचे समझे ही इसे परचेस कर ही लीजिए क्योंकि आप लोग के लिए भी ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। और स्पेशली उन मॉम्स के लिए जो कि बाहर जाती है, वर्किंग मॉम्स है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वर्किंग मॉम के लिए है, जो मॉम घर पे रहती है, मतलब जो मॉम हाउसवाइफ्स है, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। बिलीव मी, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि ब्रेस्ट पम्प क्या है। तो ब्रेस्ट पम्प यानी आप अपने बच्चे को डायरेक्ट फीड कराते हैं, आप उसकी जगह पर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट पम्प के थ्रू मिल्क को एक्सप्रेस करके उसी मिल्क को आप बॉटल से भी पिला सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, तो क्या ये मिल्क उतना ही फ़ायदा करेगा जितना बच्चे अगर डायरेक्ट पिए उस मिल्क के मुकाबले? तो मेरा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे अगर डायरेक्ट फीड करते हैं उसमें उसको जितना न्यूट्रिशन मिलता है, इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिशन उसको मिलेगा अगर आप उसे एक्सप्रेस फीड कराएं। तो क्वेश्चन आता है क्या ब्रेस्ट पम्प से मिल्क एक्सप्रेस करके पिलाना सही रहेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल सही रहेगा इस प्रोसेस से मिल्क को एक्सप्रेस करके पिलाना। ये भी इक्वली ही न्यूट्रिशियस है। एक्चुअली ये कोई अलग मिल्क तो नहीं है ना, आपका ही मिल्क है जो कि आप डायरेक्ट नहीं उसको एक्सप्रेस करके बॉटल के थ्रू से पिला रहे हैं, तो कैसे न्यूट्रिशन कम हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कैसा पम्प खरीदना चाहिए या फिर कहाँ से खरीदना चाहिए। तो आपको ये कोई भी मेडिसिन शॉप में इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। या तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, हर तरह के पम्प्स वहाँ मिलते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो मैनुअल हो। तो हमें कैसा पम्प लेना चाहिए, इलेक्ट्रिक या मैनुअल? सो मैंने लिया था मैनुअल पम्प, वो भी मुझे बहुत ही हेल्प किया है। ये रहा मेरा वाला मैनुअल पम्प जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था और ये लवलैब कंपनी का है। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ कि ये कैसे फ़िट किया जाता है। इस सेक्शंस को यहाँ पे आप इजीली फ़िट कर सकते हैं। इसके साथ आपको अंदर डेमो कार्ड रहेगा, अब उसे भी देख के इसे फ़िट कर सकते हैं। इस तरह से हैंडल वगैरह हमें फ़िट करना, और हैंडल को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, दो या तीन, जैसा आपका फ़िट में, जितने स्पीड्स में आपको कर रहे हैं उस स्पीड्स के हिसाब से। उसके साथ हमें बॉटल भी मिलती है, इस तरह से आप बॉटल को उसके अंदर फ़िट कर सकते हैं। और कवर्स भी मिलते हैं, जो कि ये तीन कवर्स उतने यूज़फुल नहीं है तो इसे मैं हटा देती हूँ। बाकी इस तरह से आपका वहाँ पे ब्रेस्ट के साथ वो जाके सक हो जाता है, और इस तरह से हमें हैंडल को चलाते ही रहना है। और देखिए वहाँ से मिल्क एक्सप्रेस होते हुए इस बॉटल में आके फिट हो जाता है, मिल्क फिल हो जाता है। फिर हम बॉटल को खोल के बॉटल का जो कैप वगैरह है उसे हम अच्छे से टाइट करके लगा सकते हैं। इस तरह से हम बॉटल के कैप को लगा दिए और इस तरह से हम खोल के बच्चे को पिला सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ के लिए कैसा होगा, नहीं होगा, कितना फ़ायदा करेगा, तो मैं तो बोलूँगी पहले आप मैनुअल वाला ही परचेज़ करें। अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक वाला कर लें, लेकिन इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा सा बेहतर होता है क्योंकि मैनुअल वाले में आपको खुद से वो पम्प करना पड़ता है और इलेक्ट्रिक वाले में आपको कुछ अलग से एफर्ट नहीं देना पड़ता। आपको बस टाइम देना है, बैठे रहना है, सोए रहना है, जैसे रहना रहे वो अपना एक्सप्रेस करते रहता है। क्वेश्चन आता है तो क्या ज़्यादा पंप करना सही रहेगा? हाँ बिल्कुल सही रहेगा पंप करना, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे ही रखना चाहते हैं, मतलब कि सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे ही रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बेबी का आपका ब्रेस्ट फीड करना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि मिल्क सप्लाई बढ़े। तो इसके लिए अगर आप पम्प भी यूज़ करें तो इक्वली ही वो काम करेगा, वो आपका मिल्क सप्लाई को और इंक्रीज़ ही करेगा। तो ब्रेस्ट पम्प यूज़ करना भी सही ही है। अब आते हैं इस टॉपिक पर कि हम
पम्प्ड मिल्क को कब तक रख सकते हैं? पम्प्ड मिल्क को विद इन 2 से 3 आवर्स में आप बेबी को पिला सकते हैं। अगर मिल्क का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा वार्म रहता है, ल्यूक वार्म टाइप रहता है, इसीलिए उसे अच्छे से कपड़े से, वार्म कपड़े से रैप करके रखना जरूरी है ताकि उसका टेम्परेचर भी एज इट इज़ बना रहे, ताकि जब वो बेबी पिए तो उसे कुछ अलग ना लगे। तो विंटर्स के दिन में आप इसे पम्प करके रख रहे हैं तो ये रैप करके रखना नहीं भूलेगा, क्योंकि अगर आप उसे ऐसे ही रख देंगे तो वो मिल्क तुरंत ठंडा हो जाएगा। 2 से 3 घंटे के अंदर अगर आप जब आप बेबी को पिलाइएगा तो उसे वो ठंडा लगेगा, इससे मन से उसे कोल्ड या कफ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम पम्प्ड मिल्क को रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर पम्प्ड मिल्क 2 से 4 आवर्स के बीच में आप पिला सकते हैं। 4 आवर्स तक आप उसे बिल्कुल रख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो मिल्क एक्सप्रेस्ड मिल्क है उसे हम कभी गर्म ना करें। अगर ब्रेस्ट मिल्क को अगर हम डायरेक्ट हीट करेंगे तो उसका जो भी न्यूट्रिशन है सब चला जाएगा, तो कभी भी ब्रेस्ट मिल्क को हीट ना करें। पम्प्ड मिल्क को 2 से 4 घंटे या 3 घंटे के अंदर ही पिला दें। अगर इनकेस उसे ज़्यादा टाइम हो गया फिर भी बच्चे ने वो मिल्क नहीं यूज़ किया या फिर नहीं पिया, तो आप उस मिल्क का यूज़ और ना करें, क्योंकि वो मिल्क वेस्ट हो चुका है। सो उस मिल्क का यूज़ कभी ना करें। बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में कि क्या इसका रिस्क हो सकता है पम्प मिल्क का। हालांकि इसका कुछ ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है। कुछ कुछ फीमेल्स, कुछ कुछ मदर को इरिटेशन होता है, ऑकवर्ड फीलिंग होता है इसे यूज़ करते हुए। इसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं है। किसी भी चीज़ को एक्सेस यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे ही ये भी है, इसका भी एक्सेसिव यूज़ ना करें। आप डायरेक्ट भी बेबी को मिल्क पिलाइए और टेस्ट करके भी बेबी को मिल्क पिलाइए। ये कैसे यूज़फुल है? आपने अभी अपने बेबी को फीड करवाया, फिर बेबी सो गया, आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है या फिर आपको भी कहीं जाना है, तब आपका मिल्क प्रोडक्शन तो हो रहा है, तब आप क्या कीजिएगा, अपना मिल्क को एवरी 2 आवर या विद इन 1 आवर में आप मिल्क एक्सप्रेस्ट कर सकते हैं। आप फील कर सकते हैं कि आपका मिल्क एक्सप्रेस्ट करने लायक हो गया है, आप उसे तुरंत एक्सप्रेस्ट कर सकते हैं। एक्सप्रेस्ट करके आप उसे बॉटल में रख सकते हैं, तो 3 घंटा या 4 घंटा तक वो बेबी उसे पी सकता है। आप 4 घंटा तक या तो सो सकते हैं या तो बाहर जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इस बीच कोई और आपके अलावा भी उसे वो पिला सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा यूज़फुल चीज़ है। मतलब आपका बेबी आपका ही मिल्क पी रहा है लेकिन आप अपना काम भी आराम से कर पा रहे, उसके लिए आपको उसके पास अवेलेबल रहना हमेशा ज़रूरत नहीं है। कुछ बेबीज रात में बिल्कुल नहीं सोते और तब न्यू मॉम्स जिनको खुद रिकवरी की भी ज़रूरत होती है वो भी नहीं सो पाती है। तो तब क्या होता है, अगर आप एक्सप्रेस्ट करके मिल्क को रख सकते हैं, उसे रख दें, आपके जगह कोई और उसे पिला देगा, इससे क्या होता है बच्चा आपका ही मिल्क पी रहा है और उसे वही न्यूट्रिशन मिल रहा है और साथ ही साथ आप भी रेस्ट कर पा रहे हैं। यही बोलूँगी कि आप इसे ज़रूर परचेज करें, इसका ज़रूर यूज़ करें, अच्छे से जाने कैसे यूज़ करना है, क्या क्या करना है, अच्छी तरीके से यूज़ करें तो आपको भी इसका फ़ायदा बहुत से बहुत होगा। न्यू मॉम्स को बैठने में भी ज़्यादा देर तक प्रॉब्लम हो सकता है, होता ही है, तो उस वक्त तो आप सो के लेट के तो बेबी को नहीं मिल्क पिला सकते, आपको बैठ के ही पिलाना है, तो उस वक्त के लिए भी ये बहुत फ़ायदा करेगा। आप उसे ऐसे पकड़ के पिला सकते हैं लेटे लेटे, या फिर कोई और पिला देगा, आप उस वक्त रेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है वर्किंग मॉम के लिए भी और जो मॉम हाउसवाइफ है उनके लिए भी। सो ज़्यादा सोचिए नहीं, इसे लेके रख ही दीजिए, आपके लिए ये काम आएगा ही। और लास्टली इसके साथ हमें एक पाउच भी मिलता है जिसे हम इजीली कहीं पे भी बाहर कैरी कर सकते हैं, तो कैरी करने के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छा है। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ मैं। अगर कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, आप लोग करते नहीं है लेकिन इस बार करना है लाइक। लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं फिर मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो लेके, मेरा अगला नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।